हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दूध की खीर, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होती है। तो देखिए मैंने इसको कैसे बनाया है, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैंने खीर को गार्निश किया है कुछ ड्राई फ्रूट से। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। डेढ़ लीटर दूध के लिए यहाँ मैं भिगो रही हूँ एक कप चावल, देसी चावल हैं। खीर के लिए देसी चावल ही परफेक्ट रहते हैं। चावलों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। डेढ़ लीटर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। सबसे पहले तो हम दूध को बॉईल कर लेंगे। जब दूध में उबाल आ जाए, ये देखिए उबाल आ चुका है, तो अब हम डालेंगे चावल। चावलों को मैंने अच्छे से धो लिया है। खीर बनाने से 2 घंटा पहले मैंने चावल भिगो दिए थे। चावल डालने के बाद चम्मच हमें कंटिन्यू चलाते रहना है और ध्यान रखना है कि उबाल ना आए। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम खीर को कुक करेंगे। चम्मच हम चलाते रहेंगे। ये देखिए फिर से उबाल आ रहा है, तो जब उबाल आए तो फ्लेम कम कर दें। अब देखिए कुछ ही देर बाद खीर गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए आप खीर टाइट हो चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। मीठा आप जितना भी लाइक करते हैं इतना डाल सकते हैं। और चीनी डालने के बाद चम्मच चलाते रहें। चीनी डालने के बाद 5 मिनट तक कुक करेंगे। 5 मिनट कुक होते हुए हो चुके हैं, तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे। गैस ऑफ करने के बाद खीर को मैंने नीचे उतार लिया है। अब हम इसकी घुटाई करेंगे। चम्मच से इसको ऐसे घोटते जाएंगे। तो गाइस देखिए खीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खीर बनी है। आप भी एक बार ज़रूर बनाकर देखें। तो अब हम इस पर डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दुआओं में मुझे याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।